चीन समेत एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के 15 देशों ने रविवार को दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार संधि पर वियतनाम के हनोई में हस्ताक्षर किए। जो देश इस व्यापारिक संधि में शामिल हुए हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब एक तिहाई के हिस्सेदार हैं। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP में 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अलावा दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। इस व्यापारिक संधि में अमेरिका शामिल नहीं है और चीन इसका नेतृत्व कर रहा है। इस लिहाज से अधिकांश आर्थिक विश्लेषक इसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देख रहे हैं। ये संधि यूरोपीय संघ और अमेरिका मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौते से भी बड़ी बताई जा रही है। पहले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नाम की एक व्यापारिक संधि में अमेरिका भी शामिल था, लेकिन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका को इस संधि से बाहर ले जाया गया। तब उस डील में क्षेत्र के 12 देश शामिल थे, जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी समर्थन प्राप्त था, क्योंकि वे उस व्यापारिक संधि को चीनी वर्चस्व के जवाब के तौर पर देखते थे। RCEP को लेकर भी बीते 8 वर्षों से सौदेबाजी चल रही थी, जिस पर आखिरकार रविवार को हस्ताक्षर हो गए। इस संधि में शामिल हुए देशों को विश्वास है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से बने महामंदी जैसे हालात को सुधारने में इससे मदद मिलेगी। इस मौके पर वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यून शुअन फूक ने इसे भविष्य की नींव बतलाते हुए कहा कि आज RCEP समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ये गर्व की बात है, ये बहुत बड़ा कदम है कि आसियान देश इसमें केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं और सहयोगी मुल्कों के साथ मिलकर उन्होंने एक नए संबंध की स्थापना की है जो भविष्य में और भी मजबूत होगा। जैसे जैसे ये मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका प्रभाव क्षेत्र के सभी देशों पर होगा। इस नई व्यापार संधि के मुताबिक RCEP अगले 20 सालों के भीतर कई तरह के सामानों पर सीमा शुल्क खत्म करेगा। इसमें बौद्धिक संपदा, दूर संचार, वित्तीय सेवाएं, ई कॉमर्स और व्यावसायिक सेवाएं शामिल होंगी। हालांकि किसी प्रोडक्ट की उत्पत्ति किस देश में हुई है जैसे नियम कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन जो देश संधि का हिस्सा हैं उनमें कई देशों के बीच मुक्त व्यापार को लेकर पहले से ही समझौता मौजूद है। समझा जाता है कि इस व्यापार संधि के साथ ही क्षेत्र में चीन का प्रभाव और गहरा गया है। भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है। सौदेबाजी के समय भारत भी RCEP में शामिल था, मगर पिछले साल ही भारत इससे अलग हो गया था। तब भारत सरकार ने कहा था कि इससे देश में सस्ते चीनी माल की बाढ़ आ जाएगी और भारत में छोटे स्तर पर निर्माण करने वाले व्यापारियों के लिए उस कीमत पर सामान दे पाना मुश्किल होगा, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन रविवार को इस संधि में शामिल हुए आसियान देशों ने कहा कि भारत के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, अगर भविष्य में भारत चाहे तो RCEP में शामिल हो सकता है। पर सवाल है कि इस व्यापार समूह का हिस्सा न रहने का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। इसे समझने के लिए BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने भारत चीन व्यापार मामलों के जानकार संतोष पाई से बात की। संतोष पाई ने कहा कि RCEP में 15 देशों की सदस्यता है, दुनिया का जो निर्माण उद्योग है उसमें करीब 30% की हिस्सेदारी इन्हीं देशों की है। ऐसे में भारत के लिए इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इनके जरिए व्यापार की बहुत सी नई संभावनाएं तलाश सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे भारत बहुत से देशों को आमंत्रित कर रहा है अपने यहाँ आकर निर्माण उद्योग में निवेश करने के लिए, तो उन्हें भी ऐसे एग्रीमेंट आकर्षित करते हैं, पर अगर भारत इसमें ना हो तो ये सवाल बनता है कि उन्हें भारत आने का बढ़ावा कैसे दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि भारत में उपभोक्ताओं के खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो ये अब भी काफी कम है। अगर किसी विदेशी कंपनी को भारत में आकर निर्माण करना है तो उसे निर्यात करने का भी काफी ध्यान रखना होगा, क्योंकि भारत के घरेलू बाजार में ही उसकी खपत हो जाए ये थोड़ा मुश्किल लगता है। एक समय भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर चीन पर निर्भरता कम करना चाह रहा था, पर अब वो देश इसमें शामिल है और भारत इससे अलग है। इसकी क्या वजह समझी जाए? इस पर संतोष पाई ने कहा कि भारत चीन पर निर्भरता को कितना कम कर पाता है ये तो 6-7 महीने में दिखाई नहीं देगा, बल्कि 5 साल में जाकर इसका पूरा प्रभाव दिखेगा, तभी सही से पता चलेगा कि भारत ने कितनी गंभीरता से ऐसा किया। बाकी जो देश हैं वो कई सालों से चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के प्रयास करते रहे हैं और यही वजह है कि ये देश RCEP से बाहर नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इसके अंदर रहकर ही चीन पर निर्भरता बेहतर ढंग से कम कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आरसीईपी में चीन के अलावा भी कई मजबूत देश हैं जिनका कई क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल में बेहतरीन काम है। पर भारत की ये समस्या है कि भारत पिछले साल तक बहुत कोशिश कर रहा था कि चीनी ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए और चीनी निवेश को कैसे ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जाए। चीन के साथ ट्रेड के मामले में भारत का $100 बिलियन का लक्ष्य था, मगर पिछले 6 महीने में राजनीतिक कारणों से स्थिति पूरी तरह बदल गई। अब भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान शुरू कर दिया है जिसका लक्ष्य है कि चीन के साथ व्यापार कम हो और चीनी निवेश भी सीमित रखा जाए। अंत में पाई ने कहा कि अगर आत्मनिर्भर अभियान को गंभीरता से चलाया गया तब भी इसका असर आने में सालों लग जाएंगे, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी।